हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, एचसीएल टेक लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। कल हमने देखा इंफोसिस और एचसीएल दोनों ने अपने रिजल्ट दिए, दोनों ने अपने रिजल्ट जो है मोर देन एस्टिमेट दिए हैं। रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ऑर्डर बुक की बात करें, तीनों कैटेगरी में दोनों कंपनीज के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ा ट्रिगर जो चाहिए था, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, वो भी एज पर एस्टिमेट आया 6.5 के आसपास। हमारा इन्फ्लेशन डेटा 5.7 के आसपास आया, दोनों ही एज पर एस्टिमेट्स आया। और एक्सपेक्टेड था कि कल रात को यूएस मार्केट ऊपर चलेगी, हम ओपन होंगे शायद करीबन 17,950 के आसपास, लेकिन हम ओपन हुए कल के क्लोजिंग के आसपास ही फ्लैटिश ओपन किए। नीचे की तरफ अगेन फिर से हमने जर्नी की शुरुआत की, 17,850 के लेवल्स फिर से हमें देखने मिले। और वहां से करीबन 11:30-12 बजे एक मार्केट ने टर्न अराउंड लिया, और इतना स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड लिया कि क्लियरली मार्केट ने ऊपर की तरफ 17,980 के लेवल्स तक, स्पॉट लेवल्स की बात करें 17,980 17,990 के लेवल तक निफ्टी ने टच कर दिया था। ऑलमोस्ट 18,000 के लेवल्स टच होने ही वाले थे स्पॉट में, लेकिन आज वो हुए नहीं। जहां तक फ्यूचर निफ्टी की बात करें, हमने 18,000 के ऊपर पिछले 4 दिन के बाद हमने आज क्लोजिंग दिया है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, तो अभी भी कॉन्स्टेंटली हम 42,000 के ऊपर बनते रहे पिछले 8 दिनों से। कॉन्स्टेंटली बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। कई बार हमने देखा बैंक निफ्टी को 42,000 के लेवल्स को तोड़ के नीचे जाते हुए, लेकिन अगेन क्लोजिंग 42,000 के ऊपर ही मिल रहा था, और आज भी वही सिनारियो देखने मिला। आज का जो टर्न अराउंड था, क्लियरली कॉन्फिडेंस बिल्डअप था अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स में। जो पिछले 6 से 7 सेशन थे, हम देख रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप की कमी हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मार्केट में, लेकिन आज जिस हिसाब से बाइंग आई है, क्लियरली कॉन्फिडेंस था। अगर हम शॉर्ट कवरिंग की बात करें, तो शॉर्ट कवरिंग शायद 17,925 के लेवल्स के बाद एक स्ट्रांग और बननी चाहिए थी, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, ये क्लियरली बाइंग थी। कि जिस स्पीड से मार्केट बढ़ा है, वो स्लोली 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 ऊपर की तरफ बढ़ा है। जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक बड़ा मूव आता है, फिर वापस नीचे की तरफ रिट्रैक्ट होता है, लेकिन आज ऑलमोस्ट हर एक लेवल पे बाइंग आई है, और हर ऑलमोस्ट उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और लेवल्स को सस्टेन किया है। कई बार हम देख रहे थे पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ मूव आ रही थी, फिर नीचे की तरफ, नीचे एक झटका आ रहा था, यानी ऊपर की तरफ सप्लाई कॉन्स्टेंट मिल रही थी। आज हमें सप्लाई देखने नहीं मिली, नियरली कह सकते हैं क्लियरली नीचे की तरफ से बाइंग आ रही थी, और ये बाइंग ही था जो इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप करेगा, ट्रेडर्स के मन में वापस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और आने वाले दिनों में फिर से हम 18,100 18,150 के लेवल देखने मिलेंगे। एक्चुअल जो तेजी बनेगी वो 18,250 के ऊपर ही बनेगी, लेकिन तब तक अगर हम देखें तो एक रिकवरी मोड मार्केट में होगा, क्योंकि ये जो 4 ट्रिगर्स आए हैं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के बढ़िया रिजल्ट्स, मोर देन एस्टिमेट्स रिजल्ट्स, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा, हमारा इन्फ्लेशन डेटा, ये सभी कुछ इनलाइन आया है, एज पर एक्सपेक्टेशन आया है, तो क्लियरली एक पॉजिटिव मूव बनना चाहिए था, लेकिन ओपनिंग के बदले हमें सेकेंड हाफ में देखने मिला। तो अच्छा मोमेंटम था आज के दिन पे, और जो रिजल्ट्स आए हैं इन्फोसिस के बहुत ही बढ़िया है, एचसीएल टेक के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है। दोनों वीडियोस को आज को प्रॉपरली देखेगा, और काफी समय के बाद अब आईटी स्टॉक्स को रिकमेंड करने का कॉन्फिडेंस हमें भी आ रहा है। पिछले 1 साल में हम देख रहे थे आईटी सेक्टर ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया था, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू सम अदर रीजंस, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू डॉलर इंडेक्स, लेकिन अब क्लियरली क्लियरली जिस हिसाब से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, यूएस और यूरोप में सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, चाइना रीओपन हो रहा है, तो अब क्लियरली जो जो आगे गाइडेंस आ रहा है पिछले आने वाले 2 क्वार्टर का, यानी मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर का, वो बढ़िया आ रहा है। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट दिए थे सभी आईटी कंपनीज ने, तो आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के उन्होंने गाइडेंस कह सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन कल जो रिजल्ट दिए हैं दोनों कंपनीज ने, आने वाले सभी क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है FY 23-24 के, वो अच्छे दिए हैं और गाइडेंस बहुत ही बढ़िया है, और उस हिसाब से क्लियरली इंडिकेशन है कि अब आईटी सेक्टर की चलने की बारी फिर से आ चुकी है, और आईटी सेक्टर फिर से लीडरशिप लेगा। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर भी लीडरशिप में आ चुका है, क्योंकि चाइना रीओपन हो रहा है, अब क्लियरली आईटी सेक्टर का आगे आने का कह सकते हैं बारी आ चुकी है, और अब आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एचसीएल टेक के बारे में और भी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में कह सकते हैं जुड़े रहिए एंड तक, और परफेक्टली इस वीडियो को समझिए। वीडियो की शुरुआत में 2 सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में जुड़ जाइए, 45 मिनट्स का सेशन। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर दीजिए। दूसरा तरीका एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज, 90 डेज, 2 तरीके के पैकेजेस।
दोनों पैकेजेस में इंट्राडे बेस्ड, डिलीवरी बेस्ड, एफएनओ बेस्ड कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होगा। मार्केट में लाइव लेवल्स आपको बताए जाएंगे जिससे आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली टैकल कर पाए। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए। डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए जानते हैं एचसीएल टेक के रिजल्ट के बारे में, कैसा रिजल्ट आया है, क्या गाइडेंस दिए हैं, क्या ऑर्डर बुक है आने वाले कह सकते हैं या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, और किस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है इस वीडियो में वो भी देखेंगे, और कौन से लेवल्स है मीडियम टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना है अगर किसी इन्वेस्टर्स को, तो कौन से ऐसे लेवल्स है जो आप इस लेवल पे आप कह सकते हैं कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो की शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या डेटा बन रहा है वो देखेंगे, और साथ ही में जैसे मैंने कहा यूट्यूब लाइव दोपहर को कल एवरी सैटरडे कल यानी 14 जनवरी को 3 से 3:30 के बीच में यूट्यूब लाइव में जुड़ जाएगा। साथ ही में 30 डेज 90 डेज दोनों पैकेजेस के डिटेल्स दिख रहे हैं। और भी कुछ जानना है तो फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए ईमेल के थ्रू, और इस पर्टिकुलर एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में और भी डिटेल में जानिए। एचसीएल टेक की बात करें तो करीबन 20% यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखा गया है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, और अगर स्पेसिफिकली देखें तो एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली रेवेन्यू अगर हम देखें तो 19.61% ग्रोथ देखा गया है, 26,700 करोड़ के आसपास आया है, जो पिछले टाइम 22,321 करोड़ के आसपास था। तो ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ रेवेन्यू में है, 20% का ग्रोथ आपको देखने मिला है नेट प्रॉफिट में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 20% बढ़कर आया है, पिछले साल था 3,440 करोड़ के आसपास, इस बार आया 4,090 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू अगर हम देखें तो पिछले साल था 22,321 करोड़, इस बार आया है 26,700 करोड़ के आसपास। तो 19.61% रेवेन्यू बढ़ा है, ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे बढ़ा है नेट प्रॉफिट। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो नंबर्स जो है वो एस्टिमेट्स को बीट किए हैं। एस्टिमेट था रेवेन्यू 16% के ग्रोथ के साथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% के ग्रोथ के साथ, उसके बदले प्रॉफिट अगर हम देखें तो 20% बढ़ा है, और 16% के एस्टिमेट्स के सामने 20% बढ़ के आया है यहाँ पे रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर हम देखें तो कांस्टेंट करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5% बढ़ा है, और स्पेसिफिकली ओवरऑल देखें तो काफी सारी डील्स इस साल या स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में इंफोसिस, एचसीएल का टेक कंपनीज को मिला है यहाँ पे, और 17 लार्ज डील्स इस क्वार्टर में कंपनी ने जीते हैं, जिसमें से 7 अगर डील्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर में है, और बाकी 7 अगर हम देखें तो सर्विस सेगमेंट में है सॉरी, और बाकी की जो 10 डील्स मिली है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर हम देखें इन 17 डील्स का तो आया है 2.35 बिलियन के आसपास। इन्फोसिस में हमने देखा 3.3 बिलियन के आसपास डील्स मिली है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं इस क्वार्टर में। जहां तक एचसीएल टेक की बात करें तो करीबन 2.35 बिलियन डील्स यहाँ पे, बिलियन के वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे डील साइन हुई है। रिसर्च अगर हम देखें स्पेसिफिकली कालसा की बात करें तो उन्होंने रेटिंग को आउट परफॉर्म किया है एचसीएल टेक के रिजल्ट्स के बाद। 1200 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया, और अभी भी कहा है कि एस्टिमेट से ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, एस्टिमेट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग दिया है। ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो 10% से ग्रो हुआ है इस Q3 में, और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 2.35 बिलियन के आसपास यहाँ पे वैल्यूएशन आया है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम बना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.35 बिलियन के आसपास है, और इन Q3 की बात करें तो करीबन 10% के आसपास बढ़ा है यहाँ पे वैल्यूएशन। पिछले साल था 2.14 के आसपास बिलियन, इस बार है 2.35 बिलियन के आसपास। कंपनी ने 17 बड़ी डील्स की है इस क्वार्टर में, जिसमें से 7 सर्विस सेगमेंट में है, 10 सॉफ्टवेयर सेगमेंट्स में। कंपनी की अगर सबसे बड़ा मेजर डील अगर हम देखें तो 500 मिलियन का है, जो यूएस हेडक्वार्टर फॉर्च्यून 500 फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से आया है, और एचसीएल टेक ने 3 नए क्लाइंट्स यहाँ पे कह सकते हैं मर्ज किए हैं इस क्वार्टर में, जिनके वैल्यूएशन 50 मिलियन रेवेन्यू के आसपास आया है, और तीसरा अगर हम बात करें तो 20 मिलियन के आसपास यहाँ पे उनका रेवेन्यू इस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऑर्डर्स का मिला है। वर्टिकल्स की बात करें तो 26 न्यू सास डील्स कंपनी ने डील साइन किए हैं यहाँ पे, अगर स्पेसिफिकली अगर हम वर्टिकल्स की बात करें कंपनी के। और अगर सीजनल गेन्स की बात करें तो सीजनल गेन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है कंपनी को,
ओवरऑल आईटी सेक्टर अब क्लियरली डिमांड में आ रहा है एज पर कंपनीज गाइडेंस, वेदर इट इज यूरोप, वेदर इट इज यूएस और एनीवेयर इन द ग्लोबल। अब आईटी सेक्टर मोमेंटम में फिर से आ रहा है, इसीलिए गाइडेंस भी काफी स्ट्रांगली दिया है कंपनी ने। ईबीटा अगर बात करें तो सबसे स्ट्रांगेस्ट ईबीटा इस बार कंपनी ने जनरेट किया है, 5,000 करोड़ के आसपास। अब तक उनका अगर हम देखें तो हाईएस्ट 4,000 करोड़ का था, इस बार ईबीटा जो जनरेट हुआ है 5,000 करोड़ के आसपास ईबीटा जनरेट हुआ है। तो ईबीटा भी स्ट्रांग हुआ है, एचसीएल टेक का जनरेट। पिछले 5 दिन का बॉटम देखें 1,028, हाईएस्ट पॉइंट 1,080, 1,000 के स्पेसिफिकली 1,085 के आसपास। 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 1,080 का हाईएस्ट पॉइंट, बॉटम है करीबन 1,020 के आसपास, और 3 महीने का चार्ट पैटर्न 1,150 का हाईएस्ट पॉइंट, 1,080 का लेवल्स के आस, 1,000 कह सकते हैं ऑलमोस्ट 980 के बॉटम था पिछले 3 महीने में और 1,150 का हाई था। अब जिनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैं लेवल्स बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 1,150 का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो 1,250 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखा है तो 25 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम कल के दिन पे था, आज के दिन पे 66 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने मिला है। 3 साल में 85% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। प्रमोटर का होल्डिंग 60% इंटैक्ट है, एफआईएस का होल्डिंग 17%, डीआईएस का 16.5, पब्लिक होल्डिंग से 5.33। म्यूचुअल फंड डेटा देखे, अच्छा खासा बाइंग हुआ है, यहाँ पे 81,495 स्टॉक्स के आसपास बाय हुए हैं। 88 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 95 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया है और क्लियरली 81 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय की गई है। RSI हिसाब में देखें 57 है, MFI 73 है, तो दोनों 71 है, तो क्लियरली दोनों ही न्यूट्रल जोन के आसपास चल रहे हैं। पिछले 6 महीने में 16.5% का रिटर्न, 3 महीने में 13.5%, 1 महीने में 5%, 1 हफ्ते में 3.5% का रिटर्न है। ओवरऑल सिनारियो रिटर्न परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, सिनारियो अच्छा बिल्डअप हो रहा है एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में। जरूर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आने वाले समय में एचसीएल टेक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देगा, इंफोसिस काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देगा, और उस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक वैल्यूएशन भी बढ़ेंगे और मोस्ट ऑफ वैल्यूएशन का फायदा आपको लेना है इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करके। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।